अखिलेश यादव जी की, वो अच्छी थी। आज हर लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव में भी जा रहे हैं, अभी मैं दिल्ली तक गया बाई रोड, वहां में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि इससे बढ़िया सरकार अखिलेश जी की थी। नोएडा के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलती किया कि अखिलेश जी की सरकार बदल दिया। वो युवा हैं, उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव जी की ही तो सोच थी कि 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस आपके घर पहुंचेगी। अभी उसके पहले हम थाने पर लोग जाते थे दरखास्त लेकर के और 5 दिन तक दौड़ते थे, तब पुलिस कभी आ जाती थी, पुष्टि तब तक काम जिसको करना होता था वो कर लेता था, या विवाद जो किया मारा तो पीड़ित परेशान हो जाते थे और भी मारने वाला व्यक्ति कहीं घर छोड़ करके भग जाता था। लेकिन आज की स्थिति उस समय की स्थिति थी कि 100 नंबर आप डायल करेंगे तुरंत पुलिस आपके मौके पर पहुंचेगी और वही निस्तारण करने का काम करेगी, यदि नहीं होता है तो आपको थाने लाएगी। लेकिन और 108 जो उनका योजना था कि गांव-गांव में घूम करके आप कहीं भी फोन करते थे वो लोग उठा करके मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आज वो भी फेल है। आप डायल करते रह जाइए, डॉक्टर से बात कराते रह जाइए, कोई ना कोई बहाना, कोई तेल का बहाना, कोई खराब का बहाना, कोई ड्राइवर न है उसका बहाना करके लोग रह जाते हैं। यह सिस्टम होता है, हनक होती है। यह हनक अखिलेश जी में थी जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा सा दिग्भ्रमित होकर के और जुमलाबाजों के कारण और बहकावे में आ गए। आज अब कोई बहकावे में नहीं आने वाला है। 300+ 22 में समाजवादी पार्टी पाएगी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास